स्क्रेच विंडो तो स्क्रेच विंडो हैज द फॉलोइंग पार्ट्स स्क्रेच विंडो के यहाँ पे जो पार्ट्स है वो आपको दिए गए हैं जैसे कि टूल बार ब्लॉक डिस्क्रिप्शन ब्लॉक पैलेट्स करंट स्प्राइट इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट एरिया स्टेज एंड स्प्राइट लिस्ट द फर्स्ट देखेंगे हम टूल बार द टूल बार फिगर सेवन पॉइंट थ्री कंटेंट ऑप्शन टू मैनेज वेरियस प्रोजेक्ट टास्क एंड स्प्राइट्स टूल बार में आपको क्या कौन कौन से ऑप्शन मैनेज करने के लिए होते हैं तो वेरियस प्रोजेक्ट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग टास्क होते हैं और अलग अलग स्प्राइट्स होते हैं दिस ऑप्शंस आर एक्सप्लेन बिलो देखिए सेवन पॉइंट थ्री में आपको टूल बार के पिक्चर दिए गए हैं अब देखिए द टूल बार इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शन टूल बार है वो थ्री पार्ट्स में आपको डिवाइड किया हुआ डिवाइड uh, किया हुआ होता है मेनूबार टूल बार एंड व्यूइंग ऑप्शन जैसे मेनू बार टूल बार एंड व्यूइंग ऑप्शन द मेनू बार सेक्शन इज शोन इन फिगर सेवन पॉइंट फोर देखिए मेनू बार फिगर में आपको मेनू बार दिख रहा है ठीक है उसमें क्या है तो सेट लैंग्वेज है सेव है शेयर है उसके बाद फाइल एडिट शेयर एंड हेल्प तो देखिए द सेट लैंग्वेज आइकन इज यूज टू चेंज द इंटरफेस लैंग्वेज आप सेट लैंग्वेज आइकॉन की, की मदद से आप उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं द सेव आइकॉन इज़ यूज्ड टू सेव द प्रोजेक्ट आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं द शेयर आइकॉन इज़ यूज टू शेयर द प्रोजेक्ट ऑनलाइन आप अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन में शेयर कर सकते हैं द फाइल मेनू हैज़ ऑप्शन टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट सेव अ प्रोजेक्ट सेव बाई अ डिफरेंट नेम एग्जिट अ प्रोजेक्ट इम्पोर्ट अ प्रोजेक्ट एंड एक्सपोर्ट अ स्प्राइट फाइल मेनू में आप क्या कर सकते हैं तो फाइल मेनू में आप अपना न्यू प्रोजेक्ट है वो खोल सकते हैं अपना ओपन प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं कोई भी आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को एग्जिट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं द एडिट मेनू हैज़ ऑप्शन टू अंडू अ डिलीट फंक्शन एंड रन प्रोग्रामिंग कोड एडिट मेनू से आप क्या कर सकते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं यानी कि आपने जो पहले डिलीट किए हुआ है वो फिर से आप लाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं अंडू उस को, कोई फंक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कोड को आप रन भी करवा सकते हैं अब देखिए द शेयर मेनू हैज़ ऑप्शन टू शेयर द प्रोजेक्ट ऑनलाइन एंड ओपन द स्क्रैच वेबसाइट आप शेयर मेनू से आ, अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं और स्क्रेच वेबसाइट में ओपन भी कर सकते हैं द हेल्प मेनू हैज़ ऑप्शन टू ओपन हेल्प स्क्रीन एंड अबाउट स्क्रैच विंडो हेल्प मेनू में से आप स्क्रेच की जो विंडो है वो खोल सकते हैं स्क्रेच की जो स्क्रीन है वो ओपन कर सकते हैं और उसके बाद जो स्क्रेच की विंडो है उसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं द टूल बार इज फिगर सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पे देखिए टूल बार में सेवन पॉइंट फाइव में जो फिगर है वो देखिए डुप्लीकेट है डिलीट है ग्रो है और श्रिंक है क्लिक द डुप्लीकेट बटन एंड देन क्लिक अ ब्लॉक और स्प्राइट टू मेक कॉपी ऑफ इट डुप्लीकेट तो आप जानते हैं कि कोई भी एक ओरिजिनल चीज़ होता है उसका हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो डुप्लीकेट बटन से आप ब्लॉक और स्प्राइट को उसकी कॉपी कर सकते हैं तो उसे कहते हैं डुप्लीकेट क्लिक द डिलीट बटन एंड देन क्लिक स्प्राइट और ब्लॉक टू इमीडिएटली रिमूव इट आप स्प्राइट या फिर ब्लॉक को रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्प्राइट और ब्लॉक है वो रिमूव हो जाएगा तो ग्रो बटन इज़ यूज्ड तो टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट ग्रो बटन से आप जो स्प्राइट की साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं क्लिक द तो ग्रो बटन एंड देन क्लिक अ स्प्राइट टू तो मेक इट ग्रो आप ग्रो बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी साइज़ है वो चेंज हो जाएगी उसकी साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी द स्रिंग बटन इज़ यूज टू डिक्रीज द साइज साइज ऑफ़ द स्प्राइट क्लिक द श्रिंग बटन एंड देन क्लिक अ स्प्राइट टू रिड्यूस इट्स साइज श्रिंक बटन से उसकी जो स्प्राइट की साइज है वो आप डिक्रीज कर सकते हैं यानी कि आप उसकी साइज़ को घटा सकते हैं और सरिंग बटन जब आप श्रिंग बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी साइज़ है वो छोटी हो जाएगी द टूल बार हैज़ बटन टू व्यू द स्टेज एंड द प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट एज सोन इन सेवन पॉइंट सिक्स फिगर में तो अब देखिए व्यूइंग ऑप्शन तो उसमें क्या है तो स्मॉल स्टेज है फुल स्टेज है और प्रेजेंटेशन मोड है तो देखिए द स्मॉल स्टेज बटन इज़ यूज टू डिक्रीज द साइज ऑफ स्टेज स्मॉल स्टेज से आप जो स्टेज की साइज है वो आप डिक्रीज कर सकते हैं यानी कि उसकी साइज को आप छोटी कर सकते हैं दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टेज साइज वैन यू ओपन द स्क्रेच जब आप स्क्रेच ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल स्टेज बटन ही आपको उसकी स्क्रीन में आपको दिखाई देगा स्टेज की साइज है वो स्मॉल साइज ही आपको दिखाई देगी तो फुल स्टेज बटन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेज अब आप स्टेज की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फुल स्टेज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि स्टेज की साइज है वो बढ़ जाएगी द प्रेजेंटेशन मोड इज़ यूज टू शो योर प्रोजेक्ट टू द ऑडियंस दिस विल जस्ट शो द स्टेज प्रेजेंटेशन मोड में जो ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो वो भी आप आ, प्रोजेक्ट को उसमें दिखा सकते हैं अब देखिए ब्लॉक डिस्क्रिप्शन द ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया लिस्ट द एट ब्लॉक कैटेगरीज उस ब्लॉक डिस्क्रिप्शन में एट कैटेगरीज होती है ब्लॉक की तो कौन कौन सी होती है देखिए मोशन लुक्स साउंड पेन कंट्रोल सेंसिंग एंड ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स देखिए फिगर सेवन पॉइंट सेवन में आपको दिख रहा है कि ब्लॉक डिस्क्रिप्शन शोइंग ब्लॉक कैटेगरीज आपको दिख रहा है मोशन लुक्स साउंड पेन कंट्रोल सेंसिंग ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स द ब्लॉक कैटेगरी आर कलर्ड कोडेड सो वैन यू सी अ ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक कलर यू कैन आइडेंटिफाई इट्स कैटेगरी ब्लॉक कैटेगरी है वो उसको आप अलग अलग कलर का कोड दे सकते हैं जब आप ब्लॉक डिस्क्रिप्शन जब आप लोग देखेंगे तो उसका स्पेसिफाई कलर होगा देखिए फिगर सेवन पॉइंट सेवन में आपको दिख रहा है जैसे कि मोशन है वो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लुक्स है उसको पर्पल साउंड है वो पिंक कलर पेन है वो ग्रीन कलर आ, कंट्रोल ऑरेंज सेंसिंग ब्लू लाइट ब्लू ऑपरेटर्स है वो लाइट ग्रीन कलर एंड वेरिएबल है वो ऑरेंज कलर उसके जो अलग अलग कलर की वजह से उस आप उसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब देखिए ब्लॉक पैलेट दिस एरिया शोज द कॉरस्पोंडिंग ब्लॉक्स फॉर द सिलेक्टेड कैटेगरी आप उसमें अलग अलग ब्लॉक्स के जो सिलेक्टेड कैटेगरी होती है वो उसमें आप देख सकते हैं When you select a new block category, its corresponding blocks becomes available. जब आप न्यू ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो ब्लॉक्स उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स है वो आपको अवेलेबल दिखाई देगा